अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सिरे पाए का सालन। इसके लिए मैं ली हूँ 6 पाए और एक सिर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 गिलास पानी। अब हम इसे गलने के लिए रख डालेंगे। 5 से 6 सीटी के लिए इसे प्रेशर कुक करें। 2 टेबलस्पून खोबरा, 2 टेबलस्पून दालिया, 4 टेबलस्पून खसखस, 1 बड़ी प्याज। अब हम इसे पीस के अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाले अच्छे से भून लिए। अब हम इसे इसका पेस्ट बनाएंगे, फाइन पेस्ट। अब हम इस नहारी को पका रहे हैं। इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल और 1 बड़ी प्याज की डली डाल के अच्छे से इसे लाइट ब्राउन हुए तक भून लेंगे। भूनने बाद हम इसमें पीसे से मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से लाइट ब्राउन होने देंगे हम प्याज को। ऑनियन अच्छे लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा पत्थर का फूल ऐड करेंगे और थोड़ा बे लीफ, 2 हरी मिर्ची, अच्छे से अदरक लहसुन को अच्छा भूनने पर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, खोपरा, खसखस, प्याज का पेस्ट बनाया ना वो ऐड करेंगे। ऐसा मैं फाइन पेस्ट बना ली, खोपरा खसखस प्याज का पेस्ट। मसाले को अच्छा से भून लेंगे हम। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। अब हम ये मसाले में डाल के अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा कोथमीर पुदीना, चॉप करा हुआ कोथमीर पुदीना, अच्छे से मिक्स करके मसाले को अच्छे से भुने बाद हम गला के रखे से मुंडी पैरा कर इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से तेल आया तक इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से गल गए हैं ये पाए, अच्छे से गल गए। अब हम इसे मसाले में ऐड करेंगे। पाए अच्छे से मसाले में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शेरवा थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला भी ऐड करेंगे हम। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। फिर
इससे थोड़ा कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे। अच्छे से औंटे बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। सिरे पाए का सालन रेडी हो गया, अब हम इसे सर्व करेंगे। सिरे पाए का सालन रेडी हो गया है, इसे आप नान के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये नहारी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।